नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा जिले में फटाफट न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद मंत्री ने इलाके के पीएचई अधिकारियों को गांव में पानी की समस्या समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से हैंडपंप उत्खनन के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिले के मैनपाट के खड़गावा ग्राम पंचायत में सड़क पारा बाबा डेरा नाम का एक गाँव है, जहाँ के लोग कई वर्ष से गांव के बगल से बहने वाली मांड नदी का पानी पीने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में ये समस्या और विकराल हो जाती थी, लिहाजा इस खबर को फटाफट न्यूज ने कल ही प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट के SDO से मोबाइल पर चर्चा की और प्रभावित गाँव में तत्काल हैंडपंप लगाकर इसकी सूचना देने की बात कही है। भारत में इंसानों को मरने के बाद सम्मान मुक्ति धाम में जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अगर किसी जिंदा इंसान को मुक्ति धाम में देखना है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के एक गांव में एक महिला को जीते जी मुक्ति धाम में छोड़ दिया गया है। महिला बीते करीब 3 महीने से मुक्ति धाम में पड़ी हुई है, लेकिन ना ही कोई उसका दर्द सुनने वाला है और ना ही उसकी कोई फरियाद सुनने वाला। कोरिया जिले का भरतपुर सोनहत विधानसभा में आने वाले ग्राम पंचायत चौघड़ा में शांति नगर में रहने वाली बेबी सारथी की दास्तान सुनकर ऐसा कौन होगा जिसकी रूह ना कांप जाए। दरअसल बेबी सारथी के पति जीतू सारथी की मौत बीते 8 महीना पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद परिवार के लोगों ने बेबी सारथी का ध्यान देना बंद कर दिया। इस दौरान वह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके बाद उसके बच्चों और उसकी सास ने उसे मुक्ति धाम में ले जाकर छोड़ दिया। मुक्ति धाम परिसर के नजदीक बने शेड में वो बीते 5 महीने से एक ही खाट पर पड़ी है। भैया गिर गई हूँ, पैर टूट गया है, लकवा है पैर में, नहीं चल सकती। यहाँ मैं पर का बोलते हैं, इतना से देखो का बोलते हैं इसको, 5 महीना से ये मर चुके हैं तीनों जन। एक तो बेटा है तो वो मेरे को मारता है, पूरा 3 बच्चे हैं। घर में रही तो घर में बोलते थे कि बदबू आ रहा, लैटरिंग बाथरूम नीचे टप रख दिए, नहीं फेंकते, कीड़ा पड़ गया है, मेरे कने आती नहीं है। बड़ी लड़की एकदम से वही अस्पताल से मेरे को लेके आई है। शारीरिक रूप से दिव्यांगी महिला लकवा से ग्रसित है, इसलिए वो खाट से उतर नहीं पाती है, इसलिए खाना पीना और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने की क्रिया वो खाट में ही करती है। गाँव वालों के मुताबिक इस महिला को उसकी सास केवल खाना देने आती है। कितने दिन से पड़ी है मुक्ति धाम में? 4 महीना हो रहा है। कोई देखता नहीं उसको, खाना पीना कहाँ से मिलता है? उसका साथ देती है। तो घर में क्यों नहीं ले जाते उसको? साफ सफाई नहीं करती, गंदगी करती है। 5 महीने से लेटे लेटे और गंदगी के कारण महिला के पूरे शरीर में घाव भी हो गए हैं। इधर इस बात की जानकारी भाजपा नगर मंडल मनेन्द्रगढ़ के महामंत्री रामचरित द्विवेदी को हुई तो उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला से बात की। तब महिला ने फफक फफक कर रोते हुए अपना दर्द बयां किया। देखिए, कल शाम को मुझे जानकारी मिली, मेरे रेलवे के कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि वहां रेलवे केबिन के पास जो मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम में जो शेड बना हुआ है, वहां लगभग 4 महीने से एक महिला जो है वहां पड़ी हुई है। और दुर्भाग्य वाली बात यह है कि न उसके परिवार के लोग ध्यान दे रहे हैं, न इस शहर के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते महिला जो जिस बिस्तर पर लेटी हुई है उसी पर लेटरिन बाथरूम करती है। अगर कोई खाने को दे दिया तो खाना खा लेती है, अगर नहीं मिला तो भूखे पड़े रहती है। बार बार लोगों से बचाव की गुहार लगाती है, खाने के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 महीने से एक महिला मुक्ति धाम में पड़ी हुई है। आखिर यहाँ के शहर के जनप्रतिनिधियों को हो क्या गया है? उनकी संवेदनाएं कहाँ मर गई हैं? मैं कलेक्टर कोरिया से चाहूंगा कि तत्काल इस महिला को वहां से उठवाएं और उसको ले जाकर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, जिससे उसकी जान बच सके और उसको राहत मिल सके। जैसे मुझे जानकारी मिली मैं तत्काल वहां पर गया, मैंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बताया है और हम भी ये पहल कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी उच्चाधिकारियों से बात कर रहे हैं, जिससे वहां से महिला को तत्काल हटाया जा सके। महिला का सिर्फ इतना दोष है कि वो लकवा से ग्रसित है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको समाज से इस तरह बेदखल कर दिया जाए। खैर, कुछ भी हो, इस महिला की मौत के पहले ही मुक्ति धाम में छोड़ देने के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, जिसको देखकर लगता है कि आज के युग में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने सुख के आगे दूसरों का दुख दिखता ही नहीं है। बहरहाल मामला गंभीर है और जिला प्रशासन के साथ महिला संगठन और राज्य महिला आयोग को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो फिर यही कहा जाएगा कि लोगों की संवेदना मर चुकी है।
आज के दौर में विकास और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया है। यही वजह है कि जनहित की कई योजना विकास की आड़ में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है। मामला सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड का है, जहां भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें निर्माण के पहले ही पुलिया करप्शन की भेंट चढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन मैनपाट को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस कवायद के लिए हो रहे निर्माण कार्य में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मामला मैनपाट के डांगबुड़ा ग्राम पंचायत का है, जहां पुलिया निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहां काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि जब से निर्माण कार्य चल रहा है, तब से कोई जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने नहीं आया है। यही कारण है कि घटिया मटेरियल का उपयोग कर ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहा है। वैसे ही पुलिया बना रहे हैं। पुलिया मिस्त्री लोग बताएंगे कि कैसे बनता है क्या। वो लंबाई नाप रहा था, मोटाई ऐसा वैसा, तो इंजीनियर है, बाद में पता चला हम लोग डिस्कस की लंबाई चौड़ाई, फिर कितना गिट्टी, कितना मसाला, कितना सीमेंट, वो डालने को तो नहीं बोला, बाकी वो पूछ रहा था, वो लिखते जा रहा। रोड के लिए आने जाने के लिए यहाँ थोड़ा सामान लेने आने जाने से दिक्कत पड़ रहा था, इसलिए बना रहे। बड़ा वाला गिट्टी पंखा के लिए, दीवार के लिए, फिर बीच में ढलाई के लिए उसके, तो चिप गिट्टी। खैर मिस्त्री अब देख रहे हैं मेरे को मिस्त्री, बाकी मैं मिस्त्री का चेला हूँ, यहाँ पर मिस्त्री नहीं आए हैं ना, उसका जगह मैं थोड़ा मोड़ा हैंडल कर रहा हूँ, तो अब जैसे उन लोग बोलते हैं वैसे वैसे करते हैं हम लोग। डांगबुड़ा गांव में बन रही पुलिया में आसपास से बिनी हुई गिट्टी के साथ निर्धारित मापदंड में ना ही सीमेंट मिलाई जा रही है और ना ही मानक रूप के अनुरूप सरिया लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस निर्माण में भ्रष्टाचार की शुरुआत काम शुरू होने से पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि ग्रामीणों की माने तो गांव के जिस स्थान पर पुलिया बनना स्वीकृत हुआ था, ठेकेदार पुलिया को उस स्थान पर न बनाकर ऐसे स्थान पर पुलिया निर्माण कर रहा है जहां पर उसका उपयोग ही नहीं है। ग्रामीणों ने इस बात का विरोध करते हुए काम भी बंद करा दिया था, लेकिन दबंग ठेकेदार के सामने किसी की नहीं चल पाई। गाँव के सरपंच भी कहते हैं कि कमीशन लेकर पुलिया निर्माण का काम सीतापुर के रसूखदार ठेकेदारों को दिया गया है। पुलिया बन रहा है यहाँ, और मतलब यहाँ खेत इधर है पूरा डंगबुड़ा का, तो मतलब गाड़ी आने जाने के लिए यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर आने जाने का, अब एक महीना हो गया। अब पुलिया तो बन रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा टाइप तो नहीं लगता है मेरे को। अब दिखने सीमेंट इसमें लगा नहीं है जितना लगना चाहिए, गिट्टी जितना लगा है उतना लगाना चाहिए, क्या गिट्टी लगाना चाहिए वो भी नहीं लगा है। चीप गिट्टी का ऊपर में ढलाई हुआ है, अब पूरा जो इधर उधर है वो तो पूरा बड़ा वाला गिट्टी है, जंगल वाला पत्थर। अब बंद किए थे 2-3 दिन, उसके बाद में फिर चालू कर दिए। क्या चाहेंगे, अब बढ़िया से बने वही चाह रहे थे हम लोग। इधर मामले की जानकारी मीडिया के क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को दी गई, तो उन्होंने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और मामले की जाँच कर कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। काम तो सही जगह पे होना चाहिए, और गांव वाले का निस्तार जिसमें हो ऐसे जगह होना चाहिए। अगर वैसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं अधिकारियों से बात करता हूँ कि अगर अनुपयुक्त जगह में बना होगा तो उसको रोकें और उपयुक्त जगह में बनवाएं, और तत्काल उसका भुगतान भी रोकने के लिए हम बोल दे रहे हैं। 15 साल की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाकर कांग्रेस ने भारी भरकम बहुमत के दम पर अपनी सरकार बना ली। सरकार के 2.5 साल का समय भी पूरा होने वाला है, लेकिन प्रदेश से जिस भ्रष्टाचार को समाप्त कर जनहित के कार्यों का दावा सरकार ने किया था, वो दावे इस मामले के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि मंत्री द्वारा जिस जांच के आदेश दिए गए हैं वो कब तक पूरी होती है और दबंग ठेकेदार की असलियत कब बेनकाब होती है। सरगुजा जिले के लखनपुर पुलिस ने 50,000 रुपए के लूट मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद लूट से जुड़े आरोपी और नकदी समेत जरूरी कागजात बरामद कर लिए हैं। इस घटना का दर्दनाक पहलू यह है कि लूट की वारदात के बाद पीड़ित ने जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास भी किया था। सरगुजा जिले के लखनपुर में पिछले कुछ दिनों से चोरी और लूट की वारदात हो रही थी, जिस पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने लूट के एक मामले का खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 मई को थाना क्षेत्र के तुरना निवासी टुन्नू राम प्रजापति लखनपुर स्थित
ग्रामीण बैंक में रुपए निकालने आया था, लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकला वैसे ही पहले से घात लगाए एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार उसके रुपए को झोले समेत लूटकर फरार हो गया। मामले को लेकर पुलिस की काफी दिनों से किरकिरी हो रही थी कि तभी आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को लखनपुर निवासी दीपक नाम के एक युवक पर शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने मामले की छानबीन कर दीपक का कॉल डिटेल खंगाला तो पता चला कि लूट वाले दिन से ही वो अपने लुंड्रा स्थित ससुराल में रह रहा है, जिस पर लखनपुर पुलिस ने लुंड्रा स्थित उसके ससुराल में दबिश दी और घेराबंदी कर संदिग्ध दीपक को हिरासत में ले लिया। इधर हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब लूट के संदेही दीपक से पूछताछ की तो उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित का झोला फेंके गए स्थान से बरामद किया, लेकिन जिस 50,000 रुपए की लूट की शिकायत पीड़ित ने की थी उसमें से पुलिस मात्र 7,000 रुपए बरामद कर पाई है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि लूट की घटना के बाद पीड़ित ठुन्नू राम ने जहर सेवन कर आत्महत्या का प्रयास भी किया था। दिनांक 24 मई 2021 को ग्रामीण बैंक लखनपुर के पास से एक प्रार्थी है ठुन्नू राम प्रजापति, तुरना के निवासी हैं। ये बैंक आ गए थे और बैंक से इन्होंने कुछ पैसे विड्रॉ किए थे। विड्रॉ करने के बाद जब बाहर निकले तो एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति था, जिसने बाइक से आकर इनके झोले सहित, जिसमें उनके पासबुक आधार कार्ड वगैरह भी थे और साथ में पैसे भी रखे थे, इसको उन्होंने, अज्ञात आरोपी ने लूट कर ले गया था, जिसकी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार घटनास्थल का टावर लोकेशन लेकर और संदिग्धों से लगातार पतासाजी हम लोग कर रहे थे। इसी दौरान हमको सूचना मिली थी कि लखनपुर निवासी दीपक इस मामले में संदिग्ध है और वर्तमान में ये अपने ससुराल में निवासरत है, जो कि लुंड्रा में है। तो रात में ही हम लोगों ने टीम बनाकर लुंड्रा में इसके ससुराल पे घेराबंदी करके इसको पकड़ा है और पूछताछ करने के दौरान उसने घटनाकारित करना स्वीकार किया है। घटनाकारित करने के पश्चात इससे घटना में लूट की हुई संपत्ति और जो इसने आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह झोले सहित लूट किया था और इसको कहीं पे फेंक दिया था, उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद करके जब्त कर लिया है। साथ ही जो इसने घटना कारित करने में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया था उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी करके उसको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में लूटपाट के मामले में गिरफ्तार आरोपी शहजाद आलम उर्फ टीपू के इलाज के दौरान फरार हो गया है। फरार आरोपी के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसे मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से वो जेल कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड सेंटर से बंदी के लगातार फरार होने का यह दूसरा मामला है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ के मुताबिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 29 मई को धारा 392-394 के आरोपी शहजाद आलम उर्फ टिप्पू को कोरोना पॉजिटिव होने पर आइसोलेट कराने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय के पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपी को जेल में लाया गया, जहां गेट से ही आमद लेने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी को टीबी वार्ड में बनाए गए अतिरिक्त कोविड सेंटर में रखा गया था और देखरेख व सुरक्षा के लिए जेल कर्मचारी की भी तैनाती की गई थी, जहां से बीती सुबह आरोपी शहजाद आलम जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। घटना से जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा है और मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। अभी तक फरार बंदी के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल सका है। इधर कोविड सेंटर से लगातार बंदियों के फरार होने से जेल प्रबंधन की भी चिंता बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज में उसको 29 तारीख के लिए भर्ती कराया गया था जेल गेट से ही, क्योंकि जो पकड़ा गया था तब भी वो कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद उसको जेल में एंट्री देने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल भेजा मेडिकल कॉलेज में और कल सवेरे वो हमारे प्रहरी को चकमा दे के फरार हो गया, जिसका FIR दर्ज हो गया है और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो आपको सूचित करेंगे। अपूर्व में जो कैदी भागे थे उनके बारे में भी तफ्तीश जारी है और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो वहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव कैदी हैं, क्योंकि वो दो तीन दरवाजे रहते हैं वहाँ पर, एक जगह प्रहरी होता है, एक जगह पीछे से लेटर बाथरूम का दरवाज़ा होता है, तो वहाँ से चकमा दिए जाते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जेल में ही उनका इलाज करें और आने वाले समय में फिर स्थिति को रोका जा सके। प्रहरी वहाँ पर ड्यूटी पे था, उसकी प्रथम दृष्टया तो लापरवाही है, तो उसके लिए सस्पेंड कर रहे हैं।
सरगुजा जिले के कुन्नी पुलिस चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक और आरक्षक के कार और बाइक को आग के हवाले करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की डांट से क्षुब्ध होकर चौकी परिसर में खड़े वाहनों को चुपके से आग के हवाले कर दिया था। दरअसल अप्रैल महीने में बिनिया गांव के कुछ व्यक्ति कुन्नी चौकी आए हुए थे। उनके साथ जीवनलाल एक्का नाम का व्यक्ति भी मौजूद था, जो कुन्नी चौकी में आए अन्य व्यक्तियों को बिना चौकी में सूचना दिए अपने साथ ले गया। इस पर चौकी में पदस्थ आरक्षक मनीष सिंह व प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी ने जीवनलाल एक्का को बुलाकर पुलिस चौकी में आए व्यक्तियों को बिना पूछे अपने साथ ले जाने पर डांट डपट दिया। इसी बात से नाराज जीवनलाल एक्का ने कुन्नी चौकी में खड़ी आरक्षक मनीष सिंह व प्रधान आरक्षक मनीष तिवारी की कार व मोटरसाइकिल को कुन्नी चौकी परिसर में चुपके से घुसकर जूट बोरा में मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया था, जो घटना दिनांक से फरार हो गया था, जिसे आज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा संभाग के तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज के साथ।